नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट में iText 7 को जोड़ा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ब्लैंक PDF बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कोड्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका ये इंटरफेस वाइट कर देता हूँ। ठीक, तो ये अब हम वाइड स्क्रीन पर इसे देखेंगे जिससे थोड़ा विजिबिलिटी इसकी सही रहती है। तो हमें कुछ कोड्स लिखने हैं, जिसके बाद जो बेसिक कोड्स हैं इस PDF को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक पाथ चाहिए कि हमें अपना PDF कहाँ पर सेव करना है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट और एक स्ट्रिंग पाथ। और यहाँ पे हमारा पाथ होगा, तो मैं इसे फिलहाल डी ड्राइव में iText और iText के अंदर एक PDF। सो PDF का नाम हम रख देते हैं सारथी हिंदी। sarathihindi.pdf। इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है PDF राइटर का। PDF राइटर, और यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये iText kernel हो। एंटर PDF राइटर। और यहां हम देंगे पाथ सेमीकोलन। यहां एक एरर है, तो यहां पर अल्ट और एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और एड एक्सेप्शन मेथड। ठीक, इसको करने के बाद ये यहाँ पर एक throws filed not found exception आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का काम है कि हमारे PDF को मेमोरी में सेव करना। तो ये कहाँ पर सेव करेगा? यहाँ पाथ में। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का काम बस इतना है कि हमने जो भी PDF बनाया है उसको सिस्टम मेमोरी में सेव करेगा। इसके बाद एक हमें और ऑब्जेक्ट लेना है PDF डॉक्यूमेंट। PDF डॉक्यूमेंट, और इसको हम कर देते हैं PDF डॉक्यूमेंट। ठीक, इस PDF डॉक्यूमेंट के यूज से हम पेजेस बनाएंगे। तो एक हमें फिलहाल एक पेज चाहिए, तो हम एक नया पेज ऐड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। PDF डॉक्यूमेंट डॉट एड न्यू पेज। तो अभी हमारे पास एक पेज है। अब एक और ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट का, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको ध्यान देना है iText। ठीक, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर हम डालेंगे PDF डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने PDF में टेक्स्ट, पैराग्राफ, टेबल,
इमेज जो भी ऐड करना है हम इसकी मदद से करेंगे। तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज, और इन दोनों लाइनों के बीच में हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ करेंगे। ठीक, डॉक्यूमेंट ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, और इन दोनों के बीच में हमें पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, या जो भी काम करना है पीडीएफ पर, वो हम इन दोनों लाइनों के बीच में करेंगे। और जब डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा तो एक मैसेज के लिए हम सिस्टम डॉट पीडीएफ क्रिएटेड, तो फिलहाल हम एक ब्लैंक पीडीएफ बना रहे हैं और ये ब्लैंक पीडीएफ सेव होगा यहाँ पर डी ड्राइव में आई टेक्स्ट फोल्डर के अंदर। तो चलिए इसे रन करते हैं। और ये यहाँ देखेंगे आप पीडीएफ क्रिएटेड और ये एक पीडीएफ, इसको ओपन करेंगे तो ये हमें एक ब्लैंक पीडीएफ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक वर्क था, और आगे की जितनी भी वीडियो होंगी उसमें हम यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इतने कोड्स को हर प्रोग्राम में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक ब्लैंक पीडीएफ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इसमें कोई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें लगभग हम 15-20 वीडियो तो हम इस सीरीज में ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ और सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उन सब की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।